तो ये बताइए प्रिया जी कि आपका एजुकेशन कहाँ तक है, क्या पढ़ाई उढ़ाई की है? आपके पिताजी तो बने सरोज जी का एक ट्वीट भी आजकल खूब चल रहा है, जिन्होंने वो जब उन्होंने विधानसभा में बोला योगी जी ने कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों के, तो उसमें कमेंट उन्होंने किया है, इसको देखा है क्या? मछली शहर से दावेदारी आप लोकसभा में समाजवादी पार्टी से करने वाली हैं। अच्छा, मान लिया चुनाव जीत गई आप, तो फोकस क्या रहेगा आपका क्षेत्र के? अभी थोड़ा सा ये माहौल बहुत तेज चला था स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, रामचरितमानस पे टिप्पणी हुई थी। अब देखिए आप राजनीति में आप आ रही हैं, आप चुनाव भी लड़ेंगी, तो इन सब चीजों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने वो रामचरित की जो चौपाई थी उस पर विरोध जताया था, और आपके पिताजी वरिष्ठ नेता तूफानी सरोज जी उन्होंने उनका समर्थन किया था। जो उन्होंने समर्थन किया था, क्या वो सही था कि उनको नहीं करना चाहिए था? जबकि आपकी पार्टी अब उस लीक से हट गई है, देख रहा हूं कि अब रामचरित पे कोई समाजवादी पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती। आपके पिता ने उनका समर्थन किया था, यह सही था कि नहीं करना चाहिए था? नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप लोगों का स्वागत है, मेरा नाम विभास यादव है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी लगभग अब शुरू हो गई है, सभी दल अपनी गोटी फिट करने में लगे हैं, प्रत्याशी अपने को चयन के लिए जो है हर दल के प्रत्याशी तैयार हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं। मछली शहर लोकसभा की हम बात करते हैं, तो मछली शहर लोकसभा में एक बैनर पोस्टर भी लगना शुरू हो गया है, जगह जगह हमने देखा है। और मछली शहर से पूर्व सांसद और किराकत के वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तूफानी सरोज जी, उनकी बेटी प्रिया सरोज का भी पोस्टर जगह जगह लग रहा है। एसपी इंटरनेशनल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है सिमरहों में, ये बधवा बाजार के पास पड़ता है, वहीं उनकी बेटी प्रिया सरोज उद्घाटन करने आई थी और हमसे मुलाकात हुई है। हम उन्हीं से ये सवाल पूछेंगे कि आपका जो ये बैनर पोस्टर लग रहा है, होली की बधाई आप दे रही हैं, क्या राजनीति में उतरना है, क्या चुनाव लड़ना है, कि अचानक की कैसे आपका पोस्टर लगना शुरू हुआ? मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया है। एंड बैनर की बात है कि कहीं ना कहीं मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, पिताजी को देख के बचपन से कहीं ना कहीं उनसे इंटरेस्ट लिया गया है और उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर हुई मैं। अच्छा। और मेरी एज हो गई है 25, तो आई एम रियली वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट दिस इलेक्शन। धीरे धीरे मैं शुरुआत कर रही हूँ पॉलिटिक्स में आने की, और देखते हैं क्या होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोले उनकी राहों पर चलना है, उनके पाथ पर चलना है, तो बस देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो ये बताइए प्रिया जी कि आपका एजुकेशन कहाँ तक है, क्या पढ़ाई उढ़ाई की है? मेरा एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, बीए प्रोग्राम, देन एमएडी नोएडा से लॉ किया है, और स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एंड साथ साथ में पॉलिटिक्स भी। पॉलिटिक्स भी, ये रुझान पॉलिटिक्स पे ही क्यों हुआ? आप एडवोकेट हैं और जो है पढ़ी लिखी हैं, क्यों राजनीति को ही क्यों चुन रहे हैं? मुझे लगता है अभी जब मैं पिताजी के चुनाव में थी, विधायक के चुनाव में, तो मैंने बहुत जगह नोटिस किया कि जो विलेज में महिलाएं हैं वो कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में, या फिर कोई दिक्कत हो तो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मैंने एजुकेशन ली है अपने कॉलेज में, एडवोकेट में जितनी भी नॉलेज ली है मैंने, कहीं ना कहीं उसका यूजफुल हो सकता है यहाँ पे। मैं लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस फैलाऊं कि अगर आप, आपके कुछ गलत हुआ तो कंप्लेन कर सकती हैं, एफआईआर दर्ज कर सकती हैं, आपके पास राइट है। आप एजुकेशन अवेयरनेस वुमेंस पे फैलाइए, जो कि हमारे देश में आजकल महिलाओं के लिए तो अब धीरे धीरे स्थिति चेंज हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उतना नहीं हुआ उस लेवल पे, क्योंकि शादी कर दिया जाती है एजुकेशन होते ही, लेकिन एक करियर सेट नहीं हो पाता किसी का। तो मैं कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि खासकर फीमेल्स में अवेयरनेस फैलाने की, और फिर फ्री लीगल एड एजुकेशन है अपने यहाँ, फंडामेंटल राइट्स है कि वुमेन्स को क्या 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 प्रिविलेजेस दी गई हैं। रिजर्वेशन में टॉपिक पे देख लो आप, जितने आजकल मुद्दे चल रहे हैं जात पे, खासकर ये जो योगी जी अपने महाराज योगी जी जो है आजकल लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप ये देख लीजिए ये बुलडोजर लेके आप जो स्कीम चला रहे हैं, किस लॉ एंड ऑर्डर की स्कीम, किस सीआरपीसी आईपीसी में लिखा है कि आप किसी भी घर जाके बिना नोटिस के आप घर तोड़ दें। जो इंसान लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है तो उसको सीआरपीसी आईपीसी के साथ चलना चाहिए ना, ये नहीं कि आप किसी घर तोड़ दें। तो पहली बात, जो योगी जी है हमारे, उनके पास खुद इतने दर्जों केसेस पड़े हैं, अपने अपने ऊपर से हटवा के सीएम बन गए हैं, लेकिन उनको खुद लॉ ऑर्डर के बारे में कुछ पता नहीं है, आप पूछ लीजिएगा एक लाइन नहीं बोल पाएंगे वो। आपके पिताजी तूफानी सरोज जी का एक ट्वीट भी आजकल खूब चल रहा है, जिन्होंने वो जब उन्होंने विधानसभा में बोला योगी जी ने कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों के, तो उसमें कमेंट उन्होंने किया है, इसको देखा है आपने? एक्चुअली मैं अभी ट्विटर पे इतना
हेल्पफुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रिपेयर करती हूँ जुडिशरी के, लेकिन इतना मुझे पता है कि अभी जो हमारी राजनीति चल रही है एक एजेंडा सेट किया जा रहा है कि लोगों को कहीं धर्म जात मंदिर और मस्जिद में भटका दिया जाए। जो रियल मुद्दे है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है 73%, अपना 43% है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को गुमराह करके 14 में आगे अब मंदिर बना दिया जाएगा, फिर लोग उसी में फंस के फिर वोट दे देंगे। तो मुझे लगता है कि जात धर्म से आगे लोग वोट कर नहीं रहे हैं, तो मैं उसको कहीं सोशली कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी को चेंज करना चाहती हूँ। और पिताजी जो मेरे राजनीति करते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बोला है कि हाँ, जो अगर हम दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं उसके लिए आवाज उठाना कोई गलत चीज नहीं है। अगर कोई चाहे अब तुलसीदास की जो अभी 2-3 लाइनें जो फेमस हो रही कुछ दिनों में, उसमें बोला गया है, उसमें गलत क्या है? अगर आप बोल रहे हैं कि कोई छोटे कास्ट का हो चाहे लिटरेट इलिटरेट, आप उसको जानवर की तरह ट्रीट करेंगे तो गलत चीज है ना। तो ये पहले इस पर क्लियर हो जाए, क्या मछली शहर से दावेदारी आप लोकसभा में समाजवादी पार्टी से करने वाली है? जी हम बिल्कुल ट्राई करेंगे। कहीं से कुछ मिला है ऐसा, कुछ सिग्नल मिल रहा है पार्टी हाईकमान से कि देखिए आप जनसंपर्क नेता जब शुरू करते हैं ना, कहीं कहीं कुछ मिलता है कि नहीं हमको टिकट मिलने वाला होगा? कुछ मिला नहीं है, मैं चाहती हूँ अब मैं धीरे शुरू करूंगी, कुछ मिला नहीं, पहले मेहनत करूंगी, लोगों के बीच में घूमूंगी, अब जो जनता चाहेगी उसके हिसाब से मैं करूंगी। ऐसा नहीं कि अभी 2022 का विधानसभा चुनाव था, समाजवादी पार्टी ने अपने एक कद्दावर नेता जो यहाँ से मंत्री भी थे लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, उनका टिकट काट के रागिनी सोनकर को टिकट दिया था, 14 दिन में चुनाव जीत गई थी, युवा महिला चेहरा आई और लोगों ने पसंद किया, चुनाव जीत गए। क्या इसी वजह से आप भी तो नहीं आ रही हैं? आप महिला भी हैं, युवा चेहरा भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं और बोलती भी बढ़िया हैं, क्या इसलिए तो आपने ट्राई तो नहीं किया? नहीं, मैं उनको जानती भी नहीं थी बाय नेम, लिटरली मैं उनको नहीं जानती थी। मैं अपने पिताजी के साथ उनके जो उनके दिखाए पाथ उस पर चलना चाहती हूँ, और रागिनी सोनकर जी को वो अपना अच्छा कर रही है, अच्छी बात है, वो लड़ रही है और महिलाओं को सपोर्ट कर रही है, अवेयरनेस फैला रही है। कहीं आपको ऐसा लगा क्या कि ये विधानसभा में युवा थी और महिला थी, जनता ने बहुत प्यार दिया, आपको उस तरह प्यार मिलेगा? प्यार मिलेगा, काम करूंगी मिलेगा, जनता चाहेगी तो मिलेगा, लेकिन उनके से इंस्पायर तो बिल्कुल भी नहीं हुई। मेरा कहने का अच्छा ये है कि बहुत लोग होंगे लाइन में, ऐसा तो है नहीं कि आप पूर्व सांसद की पूरी सांसद की आप हैं और राखत की विधायक हैं, बड़े नेता हैं, इसकी वजह से हो सकता है और भी नेता आपके पार्टी में होंगे जो लाइन में होंगे। मैं कह रही हूँ आपको ही क्यों टिकट मिलेगा, राइट टू पार्टिसिपेट है, हर इंसान को हक है चुनाव लड़ने का, इसी तरह मुझे भी हक है चुनाव लड़ने का, मैं लड़ूंगी, जनता चाहेगी तो टिकट मिलेगा, राष्ट्र दी जाएंगे टिकट मिलेगा, मैं लड़ूंगी सबके हिसाब से, जो लोग चाहते हैं मैं डेवलपमेंट करूंगी। बाकी रागिनी सोनकर जी की बात आई तो वो अच्छा काम कर रही हैं और बहुत जगह फेमस हुई, अच्छी बात है, लेकिन उनका अपना है, वो अच्छा एमएलए रहे, मैं एमपी बन के आऊंगी, दोनों मिल के काम करेंगे, कोई कंपटीशन नहीं है, हेल्दी रिलेशनशिप है सबसे और ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मान लिया चुनाव जीत गई आप, तो फोकस क्या रहेगा आपका क्षेत्र के? फोकस रहेगा, पहले मैंने जो पॉलिटिक्स में देखा है बहुत रिजिड है कि वोट बैंक जो है यादव इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, मैं ऐसे चाहती हूँ ऐसे क्यों देखिए, अब मुझे लोग इंट्रो कराते हैं तो कहते हैं ये यादव जी है, ये पटेल जी है, मैं चाहती हूँ पूरे नाम से इंट्रो कराइए, अब मुझे सरनेम मत बताइए, क्योंकि मैं लोगों को जात धर्म में भी देखती हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे कास्ट बेस में लोग आके मुझे बोले कि मैं इनका काम कर दीजिए, उनका काम देखिए, मैं एक चश्मा पहनूंगी, संविधान के चश्मे से काम करूंगी। यानी आप जाति पात की बात से दूर हट के काम करना चाहते हैं? बहुत, जात की तो राजनीति चल रही है, हर पार्टियां जात की राजनीति करती हैं, अब आप कहती हैं कोई इस तरह मेरे पढ़े लिखे का मतलब क्या है, मैं एडवोकेट लॉ, फिर तो अब मैं से 6 पास आउट रहती, अब योगी जी कहां तक बढ़े आप बताइए। बात तो आपकी सही है, लेकिन आज की राजनीति क्या है मालूम है आपको? योगी जी मंदिर मस्जिद करके चुनाव लड़ ले, उनके मेरे में डिफरेंस करे, मैं एडवोकेट हूँ। बात तो आपकी सही है, लेकिन ये जब यूपी बिहार ऐसे प्रांत है जहाँ जात की जाति है कि जाति नहीं जाएगी कैसे, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं भी वही घूम फिर के उसी कास्ट में लग जाऊं तो फिर कैसे बढ़ेगा समाज आगे, बढ़ने के लिए किसी को ताना पड़ेगा ना, बूंद बूंद सागर बनता है। मैं अगर पहली आ रही हूँ यहाँ पे एजुकेटेड होकर आ रही हूँ, तो क्या पता है मुझे 2-3 महिला और भी मुझसे इंस्पायर हो, वो भी सोचे कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं। नहीं, आपका ये आशय है कि हमको कोई जात पात नहीं लेना है, हमको सबको साथ लेके चलना है। अब मैं शपथ लूंगी संविधान का, बस संविधान का शपथ लूंगी तो उसके हिसाब से चलूंगी ना, अब योगी की तरह तो हूँ नहीं मैं संविधान का शपथ लेके मंदिर राज की बात करूंगी, अब उसी के हिसाब से चलूंगी ना मैं। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल थोड़ी सी बातें हो जाए, अभी थोड़ा सा ये माहौल बहुत तेज चला था
स्वामी प्रसाद मौर्य जी का रामचरितमानस पे टिप्पणी हुई थी। अब देखिए आप राजनीति में आप आ रहे हैं, आप चुनाव भी लड़ेंगे, तो इन सब चीजों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने वो रामचरित की जो चौपाई थी उस पर विरोध जताया था, और आपके पिताजी वरिष्ठ नेता तूफानी सरोज जी उन्होंने उनका समर्थन किया था। जो उन्होंने समर्थन किया था क्या वो सही था कि उनको नहीं करना चाहिए था, जबकि आपकी पार्टी अब उस लीक से हट गई है। देख रहा हूं कि अब रामचरित पे कोई समाजवादी पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती। आपके पिता ने उनका समर्थन किया था, यह सही था कि नहीं करना चाहिए था? आप ये बताइए समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? जिस हमारे संविधान में लिखा है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो चुका है, पनिशेबल हो चुका है, अगर आप वो चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब आप इस देश में सच्चे नागरिक नहीं है। जो तुलसीदास में चीज लिखी गई थी, कितने पहले लिखी गई थी, वो गलत लिखा है, तो उसको गलत तो गलत बोलने में गलत क्या है, सही तो बोलेंगे ही ना। अब मैं खुद दलित कास्ट से हूँ, अगर मैं मेरे को कोई अपमानित को वर्ड बोले तो मैं इसको सही बोलूंगा। अब मेरी पार्टी अलग है, उनका आइडियोलॉजी अलग है, मेरा खुद का पर्सनली पर्सपेक्टिव अलग है चीजों को लेके, तो मैं उसको तो बोलूंगी ना। अब ऐसा तो है नहीं बीजेपी में क्या होता है, जो ऊपर बोल दिया वो नीचे बोलना होता। अब मैं तो ऐसी ही हूँ कि जो ऊपर बोल दिया मैं जो है मन बोलूंगी ना। फ्रीडम टू स्पीच एक्सप्रेशन भी तो है ना, नाम आप भी मीडिया वाले हैं, फ्रीडम टू स्पीच एक्सप्रेशन आपके पास भी है, आप जो बोल सकते हैं। अब मैं एमपी एमएलए बन जाऊं और वो जो बोले वो बोले तो सही नहीं है ना। अब मेरे राष्ट्राध्यक्ष जी उनका जो है पर्सपेक्टिव, उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनका अलग है, पिताजी का अलग है, अब वो भी किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर उनके हमारे किसी कास्ट को किसी अब गलत चीज बोलेंगे जो पहले बोला गया है तो गलत चीज है। मैं तो बोलती हूँ उसको निकाल देना चाहिए, लांच मतलब ही नहीं है। अच्छा आपकी पार्टी में पहले के एक सहयोगी थे राजभर जी, सुहेल देव समाजवादी पार्टी के थे राजभर जी, उन्होंने जब से पार्टी गठबंधन आपका टूटा है काफी आक्रामक है, अखिलेश भी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। अभी उनका जल्दी एक बयान आया था कि इसी शूद्र वाले पे कि अखिलेश बाहर शूद्र अपने को बताते हैं, घर में सवर्ण हैं, ठाकुर हैं, इससे कितना सहमत है? क्या इस तरह उनको बयान देना चाहिए कि वो गलत बोल रहे हैं? देखिए मैं इतना ज्यादा अभी पॉलिटिक्स पे आई नहीं हूँ, बट जितना मुझे पता है तो राजभर जी है उनका ऐसा है अभी कभी इधर कभी उधर, जहाँ पार में वहां जाएंगे। सपा के साथ चुनाव लड़ा उन्होंने, उनको लगा जीत जाएंगे तो इधर थे वो, अब उधर चले गए। जो बोलते हैं ना चार बाइक पे वाला जो उनका लाइन था, वो सब चीजें वो उनका पॉलिटिकल पब्लिक स्टंट है, उनका पॉलिटिकल स्टंट है। उनको पता है यहाँ नहीं रहेंगे तो उनको फिर मोदी जी छोड़ेंगे भी नहीं, तो उस साइड चले गए। तो उनका वो अपने आप में पॉलिटिकल है, सब पॉलिटिक्स में करते ही थोड़ा जाते रहते, उसमें कोई चीज नहीं। आज कोई इधर है आज कोई उधर है, तो उसमें कुछ बोल नहीं सकती मैं। उनका खुद का पर्सनल चॉइस है, अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ। अभी एक शिक्षण संस्थान के जो उद्घाटन में आप आई थी, जैसे आप सांसद बनेंगे तो एजुकेशन पे क्या फोकस रहेगा? एजुकेशन पे पहली बात तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि ऐसे गांव में इतना अच्छा स्कूल खोल रहे हैं, जो छोटे बच्चे उनको दूर जाना नहीं पड़ेगा, अब उनके पास ही स्कूल आ गया है। साथ ही साथ हमारे गाँव में देखा गया कि बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं मिल पाते हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छा एजुकेशन बच्चों उनको मिलेगा, बच्चों को देंगे प्रोवाइड कराएंगे, और कहीं ना कहीं बच्चों में अवेयरनेस फैलेगी कि भाई जो एजुकेशन है हमारे लिए आगे कहीं ना कहीं इंसान की सोसाइटी में जो एक सोसाइटी होती है उसको अच्छी सोसाइटी कौन बनाते हैं? एजुकेटेड लोग बनाते हैं। अगर आप इलिटरेट रहेंगे, अगर आपको पता नहीं हो तो आप अपनी खुद के राइट्स कैसे करेंगे, आप खुद अपने राइट्स कैसे रखेंगे, अपनी बात कैसे रखेंगे, उसके लिए एजुकेशन बहुत मस्ट है। कहीं ना कहीं इंसानों को लगता है कि जो पहले के लोग थे एजुकेटेड नहीं थे, तो उनको लोगों को बोल दिया था कि आप अनटचेबल्स हो, आप इस कास्ट के उस कास्ट, लोगों को लगता था कि यही सही है। लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 45 में लिखा गया है, तो लोगों को पता नहीं चलेगा जब तक पढ़ेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस आएगी तो पता चलेगा कि उनके पास ये भी संविधान ने राइट्स दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे, एक एजुकेशन जो है ना वो एक वेपन है जिससे आप नहीं से कुछ बहुत कुछ बन सकते हैं, ठीक है। तो बस ये है कि बच्चे पढ़े अच्छे से, और एजुकेशन तो मस्ट, खासकर गांव में, कि जहाँ लोगों को पता नहीं होता कि खासकर कास्ट के लिए, कास्ट हटाने के लिए, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए आर्टिकल 19 है अपने पास, जितने भी है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए एजुकेशन, जब तक एजुकेशन लोगों के पास नहीं आएगा तब तक जात जितने भेद थे डिस्क्रिमिनेशन हटेगा नहीं। और खासकर गांव में लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं कास्ट को, क्योंकि इतना मुझे पता है कि ये इतना कास्ट यादव का, इतना कास्ट मुस्लिम का, इतना कास्ट पंडित का, जो लोग बोलते हैं ना क्यों है ऐसा, अभी भी क्यों है, इतना इंडिपेंडेंस का इतना टाइम हो गया, फ्रीडम हो गया, क्यों है ऐसा है? आप सोचते हैं कि लोग शिक्षित हों, ये जात धर्म से ऊपर उठे? देखिए कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहते नहीं है हटे,
जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक ऐसा हटेगा नहीं, आपको पता है किसके बारे में बोल रही हूँ मैं। आप तो ये तो जानती है कि हर पार्टी के लोग जाति धर्म की बातें करते हैं अपने अपने ढंग से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पार्टी है जो हमारे देश को कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल कर रही है, जो ब्रिटिश लोग हमारे पुराने लोग करते थे कहीं ना कहीं वो कर रही है। अब ये अब हमारे अभी आजकल क्या चल रहा है मुद्दा बताइए, टीवी खोल के देखते होंगे आप तो मीडिया वाले हैं, आपसे ज्यादा क्या बता सकते हो क्या चलता है कि योगी जी ने आज सुबह उठ के 4 घंटा योगा किया, 5 बजे उठते हैं वो, ये कोई मुद्दा होता है? एजुकेशन मुद्दा कौन लाएगा, करप्शन मुद्दा कौन लाएगा? और ये जो आजकल, अच्छा ये बताइए 2014 के बाद ही हिंदू तो खतरे में क्यों पड़ा है? जिस टाइम 2014 में हमारे पीएम मोदी जी जो आए हैं, जो हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, आरएसएस के हैं, उनके आने पे हिंदू खतरे में क्यों हुआ? उससे पहले क्यों नहीं हुआ? 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं था, 14 के बाद ही खतरे में क्यों आया? तो सवाल तो उसने पूछना चाहिए, भैया आपके आते हिंदू खतरे में कैसे हो गया? इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं एजेंडा सेट कर रहे हैं, नेशनलिज्म और हिंदू को मिक्स करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि भैया हम हिंदू हैं, मुस्लिमों को निकालिए कंट्री से। अब एक कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट किया जा रहा है आजकल लोगों में, ये मतलब नहीं एजुकेशन डेवलपमेंट किया, आजकल लोगों में मतलब ये है कि अच्छा तो तुम हिंदू हो, अच्छा तुम आरएसएस वाले हो गए, तुम बीजेपी वाले हो गए, ये कौन सी बात हुई? मतलब लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता आजकल कौन क्या काम कर रहा है। प्रिया जी यही तो सेट आप लोग भी तो कर रहे हैं, सेट ये कर रहे हैं, वो धर्म की बात करते हैं, आप रामचरित मानस ला देते हैं बीच में, आप लोग आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जात की बात कर दी, जात की बात नहीं की, उन्होंने अच्छा उन्होंने शूद्र और मंडल को कमंडल से देखने की बात करने लगे। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जी एजेंडा तो सबसेट कर रहे हैं, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोला था वो कहने की बहुत अच्छी बात बोली थी, क्योंकि एक वो एक पहले लोग जो जात के ऊपर लाइन लिखी गई तुलसीदास ने वो गलत चीज थी, और जो इंसान को सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं वो संविधान को नहीं मानता है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है। हाँ तो कहीं ना कहीं लगता है इस पे मुद्दा को कॉन्ट्रोवर्शन होने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सबको पता है कि अपने पहले लोगों को आज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होती थी जो गलत था, जो पहले लोग गीता मानते, मेरे लिए गीता तो मेरा संविधान है, मैं ज्यादा इन चीजों को नहीं मानती हूँ, मेरे को लगता है संविधान ही गीता है जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, आज हम लोग एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करते हैं हम लोग, जहाँ हम लोग फ्रीडम की तरफ बोल सकते हैं, वो संविधान है। तो मेरे लिए तुलसी गीता ये सब मेरे लिए नहीं मायने, मेरे लिए गीता है जो मेरा संविधान है, मैं जिसको फॉलो करती हूँ। चलिए अब समापन करेंगे, बड़ा होता जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से कभी मुलाकात हुई है कि आपकी? नहीं हो जाएगी धीरे धीरे, अब देखिए धीरे धीरे होता है। डिंपल भाभी से मुलाकात हुई है कि नहीं अभी? नहीं अभी किसी से नहीं हुई है, मैं अभी एजुकेशन अपना कंप्लीट कर रही थी दिल्ली, अब मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, धीरे धीरे चीजें होंगी जैसा देखते हैं, जैसे जनता चाहती है। अंतिम सवाल, जनता को जो हमारे चैनल देख रहे हैं आपके क्षेत्र के, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? चुनाव में आप आ रही हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूंगी कि मैं आऊंगी, जीतू ना जो मुझे नहीं पता, टिकट मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे काम करती रहूँगी पिताजी के साथ, क्योंकि मैं उनके साथ मैं अपना कनेक्ट कर पाती हूँ वुमेन्स के साथ, क्योंकि मैं 2 महीने घूमी हूँ यहाँ पे, तो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ लोगों को, तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जो मुझे लगता है शायद मैं सॉल्व कर सकूँ, चाहे वो लीगली हो चाहे वो वुमेन्स के साथ बैठ के उनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक औरत जो कोई दिक्कत महसूस करती है तो मैं उनको लीगली एडवाइस और लीगल चीज़ें पर उनको हेल्प कर सकूं। प्रिया एक आरोप लगता है नेताओं पर, अक्सर लगता है वो तो आपके पिताजी के ऊपर भी लगेगा, आप आएंगे परिवारवाद का आरोप आपके ऊपर भी तो लगेगा कि सांसद की बेटी है इसलिए इनको टिकट मिल रहा है, इसलिए लड़ाई में और भी तो नेता। आप डॉक्टर बनेंगे, अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, पड़ोसी को डॉक्टर बनाएंगे, यानी ये निश्चित है कि राजनीति करने वाले का बेटा बेटी राजनीति करे? चाहे कोई भी सेक्शन हो, मैं बचपन से देखते आ रही हूँ पिताजी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप देखते आ रहे हैं आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। अब देखिए जो आपने बोला, कहना है कि आप उनके साथ काम किया है, आप जनता के बीच में रहना चाहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि पिताजी की वजह से आजकल बहुत सारे लोगों को उन्होंने हेल्प किया है, रोड बनाया है, जाती तो बहुत अच्छा फील होता है। मुझे लगता है शायद मैं भी कर सकती हूँ। अगर देखिए जो आपने बोला है वो जो नेपोटिज्म की बात है वो हर जगह चलता है, अगर लोगों को लगता है कि मैं उसकी काबिल नहीं हूँ तो ना दे वोट, वो आपके हाथ में, राइट टू वोट आपके हाथ में, सबसे बड़ा पावर जनता के हाथ में होता है, उनके हाथ में है कि मैं काम करूँ ना कर सकूँ। नेपोटिज्म की बात है, अब इलेक्शन के टाइम वोट देते हैं तो आपके ऊपर नेपोटिज्म देखते हैं कि आप देखते हैं कि क्या मैं कैपेबल हूँ कि नहीं काम कर सकूँ, क्या मैं डेवलपमेंट कर सकती हूँ, क्या लोगों की बात समझ सकती हूँ। सबसे बड़ी बात है जनता की बात मैं समझूँ, वो मेरी बात समझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता
तूफानी सरोज जी की बेटी प्रिया थी, इन्होंने बेबाकी से अपने उत्तर दिए। इनका ये कहना है कि परिवारवाद का आरोप तो लगता रहता है, वो अलग चीज है, लेकिन रही बात इनका इंटरेस्ट है, इन्होंने पिताजी के साथ अपने काफी काम किया है, जनता के बीच में रही है, चुनाव में रही है, इसलिए ये विशेष कराना चाहती है। जो जातियां बटी हैं उसके जो भेदभाव हैं, एजुकेशन सुधारना चाहती है, ढेर तमाम काम करना चाहती हैं, और ये लोकसभा में मछली शहर से अपनी दावेदारी करेंगी। ये समाजवादी पार्टी ने इनका टिकट दिया तो ये लोगों के बीच पहुंचेंगी, वोट मांगने पहुंचेंगी। थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट।